आप दोनों के बीच डेटिंग स्टार्ट हुई, रिलेशनशिप में आए, कई कस्में खाई उस इंसान ने आपके लिए कि मैं शादी करूंगा, विल गेट मैरिड, विल डू दिस एंड दैट, एंड बड़े बड़े सपने दिखाए आपको, बड़े बड़े वादे किए, आप दोनों के बीच सेक्स हुआ, फिजिकल रिलेशनशिप हुआ, फिर उसके बाद उस इंसान का रंग धीरे धीरे बदलने लगा, उस इंसान ने आपको अवॉइड करना स्टार्ट किया, रेस्पॉन्स देना बंद कर दिया। अब आपको समझ में आ रहा है कि जब आप लोगों ने सेक्स नहीं किया था, जब आप लोग फिजिकल नहीं हुए थे, तो उसकी ओर से एक बराबर अट्रैक्शन था आपको लेके, लेकिन जैसे ही आप लोग फिजिकल हुए, उसके बाद से उसका जो असली चेहरा है वो आपको दिखना स्टार्ट हो गया। जब तक इंसान को आपसे मतलब होता है, जब तक इंसान को आपसे काम होता है, तब तक उसका वो चेहरा आपको देखने को नहीं मिलेगा जो उसका असली चेहरा है। एक्चुअली क्या है ना, इंसान का जब मतलब पूरा हो जाता है, इंसान की जब जरूरत पूरी हो जाती है, उसकी नीड्स पूरी हो जाती है, तो उस इंसान का जो असली रंग रूप है वो हमको दिखना स्टार्ट होता है। फिर हम समझते हैं कि ये इंसान ऐसा था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इंसान ऐसा ही था उस टाइम पे, उसको जरूरत थी उस टाइम पे, उसका मतलब था, इसलिए उस टाइम पे वो डिफरेंट पर्सन था। अब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एक्सेप्ट करो, रो के, गा के, हंस के, परेशान हो के, दुखी हो के, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा अगर हमको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो। और सबसे बड़ा जो इल्यूज़न होता है हम सबके मन में, वो यही होता है कि यार शायद वो इंसान बदल जाए, काश वो इंसान बदल जाए। ये हमारा सबसे बड़ा इल्यूज़न है, सबसे बड़ा भ्रम है। अगर आज वो नहीं बदला, इतने टाइम तक नहीं दिखा वो चीज़ आप में उसको, तो अब क्या ही वो चीज़ दिखने वाली है आपको। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ध्यान में लेके चलो कि ऐसा कुछ स्टेप मेरे को नहीं उठाना है आगे चल के कि हम किसी के साथ फिजिकल हों या फिर हम किसी के द्वारा यूज़ किए जाएं फिर वो इंसान हमें छोड़ दे, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है।